पहले दिन मैंने सारी तैयारी सब कुछ कर दिया था, लास्ट में बस मैंने किसी की गाड़ी से छीनी थी, बाजार में लाया था दूध का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये देखो रास्ता गाइस, क्या हालत है आज। मैं जा रहा हूँ साइट पे जहाँ फिलिंग हो रही है, वहां पे जा रहा था देखने के लिए कि कितने हाइवा कितने डंफर रात को गिराए गए, फिर डोजरिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। मेरा फोन आया अभी टेलिंग कल कोहरा काफी ज्यादा था तो सिर्फ शायद 18 या 20 गाड़ियां गिराई हैं, तो बस जा रहा हूँ वहीं पे। और ये देखो कोहरा क्या हालत है, बाप रे, दिख ही नहीं रहा रास्ता। ड्राइव कर रहे हैं सिर्फ 30-40 के स्पीड में। देखो जमीन आपको दिख रही है क्या, कुछ टीले टीले दिखेंगे आपको जूम करने में, कुछ टीले टीले दिखेंगे। ये मिट्टी हाइवा से गिराई गई है पर बहुत मुश्किल है। गाइस आज बना रहे हैं हम चॉकलेट केक, ओरियो का चॉकलेट केक, ओरियो बिस्किट से बनेंगे चॉकलेट केक। देख रहे हो फोन पीछे चढ़ी हुई, मिक्सी निकल रही है, मिक्सर ग्राइंडर, उसको जार नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल गया है, वो रुक गया। ओके जमा रही। केक बनाया था उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, तो आज अपन बनाएंगे ओरियो बिस्किट से ओरियो केक चॉकलेट केक। वही गिरना नहीं, आराम से। गाइस ऑलमोस्ट बैटर इज रेडी, यानी इसमें मैंने डाला है सिर्फ, इसमें डाला हुआ है मैदा है, उसमें मक्खन गरम करके मक्खन डाला है, और साथ में डाला हुआ है शुगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ओरियो बिस्किट के पीसेस, और बस इसको फेंट दिया है, अच्छे से तगड़े से फेंट दिया है। और ये देख रहे हो ये ऑलमोस्ट बैटर रेडी है, और अब इसको थोड़ा सा और चलाऊंगा और थोड़ा सा फिटूंगा बढ़िया से, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिल जाना चाहिए, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन में डालना है। गाइस केक का रख दिया है ओवन में, नाउ इट्स गेटिंग रेडी। 30 मिनट्स 160 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट, इसमें एक ऑटो प्रोग्राम दिया हुआ है केक के लिए, बस उसमें रख दो। पिछली बार बनाया था बहुत बढ़िया बना था, तो आज भी वही ट्राई करने वाले हैं। 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेगा एंड इट विल बी फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट तक। गाइस फाइनली केक इज रेडी, केक निकाल लिया ओवन से, तैयार रेडी है, और अब बस इसको पलटना है, बचा हुआ है पलटना। थोड़ा सा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद आसानी से निकल जाएगा। और इधर भार्गव साहब लगे हैं तैयारी में, आज बना रही हैं पाव भाजी। yes. बहुत दिन बाद किचन में घुसी हैं। अच्छा ये है, ये जो पसंद ही है, हलवा किसने बनाया है? हाँ हलवा बनाया था। yeah. खाना नहीं, मतलब कुछ एक्सपर्ट वाली चीज बनती है तभी पूनम भार्गव घुसती है। ऑब्वियस सी बात है, मेड है घर में तो मैं क्यों रोज घुसूं। हां खाना वाना बनाने नहीं घुसती, रोटी सब्जी नहीं बनाती। कुछ अच्छा हलवा लो बनाना, पहले दिन हलवा मैंने बनाया था, दूसरे दिन इसने बनाया था। पहले भी मैंने ही बनाया पहला था। पहले दिन उसको चढ़ा के चले गए। पहले दिन मैंने सारी तैयारी सब कुछ कर दिया था, लास्ट में बस गाजर मैंने किसी थी गाजर से छीली थी बाजार से लाया था, दूध कढ़ाई में डाल दिया था और शुरू में एक घंटे तक एक घंटे मैंने डाल के और फिर चला गया था। मुझे ऑफिस में काम था, मैं निकल गया था। हाँ। बाद में लास्ट में पापा चला रहे थे, लास्ट में घंटा 45 बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो भूल गया था शक्कर के बिना। गाइस केक रेडी है, थोड़ा सा बीच में दब गया है, जल्दी कप्पू ने दबा दिया उंगली, ज्यादा कप्पू ने उंगली करके दबा दिया उसको, माऊ अब देखो लग रही है माऊ उंगली कर रही है। तो आज किसका बर्थडे मनाना है? मम्मा, मम्मा का। चलो मम्मा आ जाओ केक काट दो। हैप्पी बर्थडे। ये जब भी केक कट किस जिस दिन भी केक बनता है ना, किसी ना किसी का बर्थडे बना देते हैं, तो बना ही लेते हैं। बाबा का बना देते हैं, बाबा का आने वाला है, बाबा एक तारीख को। चलो आज मम्मा के बना देते, ताली बजाओ तुम लोग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. Yummy. Yummy yummy amau.
माओ बताएगी कैसा है, यम्मी है माओ? माओ नोच के, अरे देख लो नोच लेके चलता बना। ओए भाई साहब, ओए भाई साहब बता दो कैसा बना है। नहीं 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 वो ऐसे नहीं करो, जाओ कटोरी लेके आओ, मम्मा देती कटोरी लेके आओ। माऊ यम्मी है। अरे माऊ इतना क्या खोल रही हो, बाहर निकाल दोगी क्या? ये लो लो, आराम से करो, आपको दे दो। कैसा है सही में? अच्छा है। आप बताइए रिएक्शन कैसा है? अच्छा। पांडे साहब ने कैसा केक बनाया? गुड, वेरी गुड कुक। इंजीनियर आदमी कुछ भी कर सकता है। ओ गाइस, आज फिर हम लोग निकल लिए थोड़ी आवारा गिर्दी करने के लिए, और कू तो लगता है सो गई है। माओ आर यू स्लीपिंग? नो शी इज नॉट स्लीपिंग। एंड वेयर इज मिस्टर समित? चटर पटर चालू है इसका। और हमारे साथ है आज पापा, ड्राइविंग टू गोविंदगढ़ अगेन। रेवा के आसपास कुछ अगर है बढ़िया तो गोविंदगढ़ की तरफ बस पे निकल दिए। हाँ आज हम जा रहे हैं पहाड़ों पर, आज मौसम अच्छा आज है। आज हम आपको पहाड़ियाँ दिखाते हैं, पहाड़ियाँ दिखाते हैं आज आपको, रीवा की गोविंदगढ़ की पहाड़ियाँ। लेट्स गो। यू आर डूइंग व्हाट? स्लीपिंग? नो, कार में स्लीपिंग, कार स्लीपिंग। ये लो आ चुके हैं यहाँ पे गोविंदगढ़ के पास, और ये दोनों तीनों सब फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। और सी द व्यू गाइस, अल्टीमेट व्यू। आसमान देखो, और दूर दूर तक आपको दिखेंगी पहाड़ियाँ, तालाब। आपको दिखाता हूँ गोविंदगढ़ का तालाब, यहाँ से गोविंदगढ़ का लेक दिखता है। You've been standing right there all along, even though it's been unspoken. We don't need to be lonely, we don't need to be hurting, 'cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. और यहाँ से आप देखोगे तो आपको दिखेगी स्टीप ढलान। और ये देखो छोटे छोटे गांव, इवन पहाड़ी के दूसरी तरफ आने के बाद उसका पार्ट दिख रहा है। देखो I'm begging for you, just waiting for you to give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love, baby. 'Cause I wanna be certain, we don't need to be lonely, we don't need to be hurting, 'cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. Some say I've waited till it's too late, no rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering. Guys, this is ultimate place. जब भी रीवा में होता हूँ, मूड होता है, मन होता है, तो यहाँ आता हूँ थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। मन तो ये करता है इन्हीं पहाड़ियों में कहीं एक घर बना लो, छोटा सा बढ़िया सा, बहुत बढ़िया लगेगा, सुकून लगेगा। लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट होगी क्योंकि पहाड़ियों में रहना बड़ा मुश्किल काम है, पर बहुत मज़ा आएगा। देख रहे हो आप नीचे की पीछे की ब्यूटी,
सी द ब्यूटी बिहाइंड। मेरे स्टूडियो का प्रॉपर यूटिलाइजेशन चल रहा है, मेरे स्टूडियो का बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन। उधर मूवी चल रही है, मजा आ जाता है। 86 इंच की स्क्रीन, होम थिएटर फीलिंग, मूवी देख रहे हैं और खाना पीना, ऊपर रेस्टोरेंट से खाना जाता है। और ये देखो अम्मा मेरी, अम्मा माऊ माऊ को देखो, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के शौकीन दोनों, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज। अलोहा में नहीं हो बेटा, आप स्टूडियो में हो, अलोहा से आपका खाना पीना आ रहा है। और ऊपर ठंड भी है। और ये देखो यहाँ पे ये चल रहा है, इधर ये बर्गर साहब का चटपटा चल रहा है, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, पापड़ वगैरह। और इधर लगाएंगे हम मूवी, हम देखेंगे मूवी। अभी लोग कैसे लगाया, देखता हूँ कौन सी मूवी देखनी है। और मज़ा आ जाता है ना इसी में, जो मूवी ठीक लगे वो देखनी है। यहाँ से मूवी देखो ना तो बिल्कुल फीलिंग वैसी आती है जैसे होम थिएटर की। और इन दोनों का चटपटा चालू है। दोस्तों काफ़ी लेट हो गए, नियर अबाउट इट इज 11:30 नाउ इन द नाइट। और कल दोनों सो चुके हैं, दोनों सो गए, थक गए थे, पार्टी शार्टी करते दोनों सो रहे हैं। और होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपसे फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है।